तो भाई इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं YouTube के सरप्राइज के बारे में, जो कि मुझे मिला है YouTube के तरफ से, जिसके बाद ही मैं YouTube पे वीडियोस बनाना छोड़ दिया और एक तरह से मैं बोलूँ तो डीमोटिवेट हो गया उसके बाद, क्योंकि यार चैनल की रीच जो है वो मेरी गलती की वजह से बहुत ज़्यादा घट चुका है। और YouTube की तरफ से भी मुझे एक सरप्राइज मिला जिसके बाद मैं वीडियो पूरे तरीके से बनाना छोड़ दिया। मैं सोच रहा था ऐसा नहीं कि पूरा तरीके से YouTube क्विट कर देता, YouTube पे आता कभी ना कभी, यही कुछ दिनों से ही आ जाता है YouTube पे। तो मैं सोचा कि ये वीडियो आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि ये वीडियो आप लोगों को भी जानना चाहिए कि आखिरकार हुआ क्या था जिसके कारण मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा। तो भाई आखिरकार कौन सा सरप्राइज है जो YouTube की तरफ से मुझे मिला जिसके बाद मैं वीडियोस नहीं बना रहा, तो आपको बता रहा कि बात तो हुआ क्या था, सारी बातें डिटेल में बता रहा। तो भाई सबका आदत होता है कि सो के उठो और सो के उठने के बाद वॉशरूम जाने से पहले अपना स्मार्टफोन चेक करो। तो भाई मेरा भी ये सेम आदत है। तो जैसे मैं सो के उठा और मैं अपना स्मार्टफोन चेक कर रहा तो नोटिफिकेशन देख रहा कि एक मेरे को मेल आया हुआ है YouTube की तरफ से। तो जैसे मैं उस मेल को ओपन करा तो मैं देखता हूँ कि उसका जो सब्जेक्ट है ना उस पर लिखा हुआ है कि योर वीडियो हैज बीन रिमूव फ्रॉम YouTube। मुझे समझ नहीं आया कि मेरा कौन सा वीडियो जो है वो YouTube की तरफ से रिमूव कर दिया गया है। तो जब मैं उस मेल को पूरा पढ़ा तब मुझे समझ आया कि कौन सा वीडियो जो है वो मेरा रिमूव करा गया है। तो ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाते हैं, आपको बता देते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। तो उस मेल पे लिखा हुआ था कि मेरा एक वीडियो था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उस वीडियो में मैं आपको फेसबुक हैकिंग के बारे में बताया था, जिसमें मैं करीब 5 मेथड के बारे में बताया था कि किस तरह से आप फेसबुक को हैक कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बेसिक से मेथड बताया था जिससे कि आप फेसबुक अकाउंट को हैक कर सकते हो, और करीब 5 मेथड बताया था। और अगर उस वीडियो में केवल मेथड बताया था ना कि ट्यूटोरियल दिखाया था आपको कि किस तरह से आप फिशिंग साइट को बना सकते हो, फिशिंग साइट किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो, किस तरह से बना सकते हो, उसके बाद फेसबुक को हैक कर सकते हो, ट्यूटोरियल किसी भी तरीके का नहीं था, ना ही प्रैक्टिकली बताया था, केवल मेथड बता दिया था कि हाँ इन मेथड से फेसबुक हैकिंग जो है वो करी जाती है। तो अगर आप उन सारे मेथड को आप यूट्यूब पे अगर सर्च करो उनका ट्यूटोरियल निकल के आ जाएगा, और वो ट्यूटोरियल सारे सालों से पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, लेकिन उन सारे ट्यूटोरियल पे कभी मैं स्ट्राइक नहीं देखा, लेकिन हाँ मैं मेथड बताया उसके भी मेरे चैनल पे स्ट्राइक पड़ गया। तो आखिरकार वीडियो में प्रॉब्लम क्या थी वो मैं बता रहा हूँ कि एक तो वीडियो में फेसबुक हैकिंग के बारे में मेथड बताया था, शायद ये बात फेसबुक को बोल रहा YouTube को बुरा लगा। साथ ही दूसरा बात यह है ना कि जब मैं उस वीडियो को अपलोड करा था ना, अपलोड करते ही उस पर येलो कलर की टट्टी हो चुकी थी। अब येलो कलर की टट्टी मतलब बता दे रहा गलत मत समझो, इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं, यानी कि कोई भी यूट्यूबर जब भी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करता है तो वीडियो के बगल में एक मोनेटाइजेशन का सैम्बल आता है, यानी कि अगर आपका चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन इनेबल है तो वहाँ पे 3 तरीके का सैम्बल आ सकता है, यानी कि एक डॉलर का सैम्बल आता है, वो डॉलर अगर ग्रीन चला यानी कि आपका जो भी वीडियो है वो बिल्कुल सही वीडियो है और उस पर वो जो भी वीडियो है वो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली वीडियो है, यानी कि उस पर अच्छे खासे ऐड चलेंगे। लेकिन अगर उस ग्रीन डॉलर की जगह अगर उस पर येलो डॉलर का साइन आया, यानी कि येलो डॉलर मतलब बोले तो येलो टट्टी हो गई अगर आपके वीडियो में, मतलब कि आपका जो भी वीडियो है वो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली नहीं है और आपके वीडियो में ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं चलने वाला, तो पहला दूसरा बात तो यहाँ पे आकर रुक गया था कि मेरा वीडियो पे पहले से ही येलो डॉलर का साइन आया हुआ था। फिर मैं जब अपील करा YouTube के पास के वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं फेसबुक हैकिंग के बारे में ट्यूटोरियल बताया था, तब भी मेरा जो भी अपील था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था और उस पर येलो डॉलर ही रहने दिया गया था, यानी कि येलो टट्टी उस पर पड़ी हुई थी स्टार्टिंग से ही अपील करने के बावजूद भी। और अभी दरअसल पता नहीं YouTube को कैसे क्या लगा कि इतने दिनों के बाद मेरा जो भी वो वीडियो था उसे रिमूव कर दिया गया YouTube से पूरी तरीके से। और साथ ही बात ये है ना भाई, बुरा इसलिए लग रहा क्योंकि वो उस वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज गए थे, मुझे पता है अच्छे खासे व्यूज थे वीडियो पे, और साथ ही उस वीडियो में जिस जिस कीवर्ड पे रैंक करवाना चाहता था उन सारे कीवर्ड पे वो वीडियो जो है वो रैंक कर ही रहा था, करीब 5 से 10 में तो रैंक कर ही जा रहा था, जो जो कीवर्ड मैं उस पर डाला था सारे कीवर्ड जो है वो सही तरीके से काम कर रहे थे और वीडियो अच्छा खासा रैंक भी कर रहा था सर्च करने पर। तो भाई बस इसीलिए बुरा लग गया कि बहुत सारे वीडियोस जो है वो उनके ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं YouTube पे, लेकिन उन पे कभी भी स्ट्राइक नहीं आती, बल्कि मैं केवल मेथड बताया, यानी उन सारे मेथड को आप अप्लाई कर सकते होते किसी का हैकिंग करने के लिए, लेकिन उन सारे मेथड से आप मैंने उन सारे चीज़ों से आप बच भी सकते थे, आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते थे YouTube में कि कोई अगर आपको उस तरीके का लिंक भेजे, आपको आपके पास अगर फिशिंग साइट खुले उस तरीके की, तो आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते थे फेसबुक हैकिंग से। लेकिन फेसबुक इन सारे बातों को ध्यान ना देते हुए बस वो ये समझ बैठा कि बस ये वीडियो बुरा है, इससे फेसबुक हैक करा जा सकता है, हैकिंग से रिलेटेड कंटेंट है, तो बस चैनल से वीडियो को रिमूव कर दिया गया और एक स्ट्राइक दे दिया गया मेरे पे, यानी कि 5 टोटल कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ते हैं चैनल पे, तो 5 नहीं मुझे केवल 1 पड़ा हुआ है अभी। और जब भी कोई भी स्ट्राइक पड़े, चाहे वो कॉपीराइट स्ट्राइक हो या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हो, तो आपका जो भी एक फीचर है यूट्यूब से उसे हटा दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। तो मुझे एक कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक पड़ा है और मेरे चैनल पे जो भी लाइव स्ट्रीमिंग होता है, यानी कि जो भी यूट्यूब पर लाइव आ जाता है,
उस वो जो भी फीचर है उसे डिसेबल कर दिया गया है, वो फिलहाल इनेबल नहीं है मेरा, तो मैं यूट्यूब पे कभी लाइव आ नहीं सकता अभी फिलहाल जब तक मेरा चैनल पे स्ट्राइक है। तो मैं यूट्यूब के पास अपील कर सकता हूँ इस कम्युनिटी गाइडलाइन को लेकर कि हाँ ये एक तरह से यूट्यूब की तरफ से किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसके कारण मेरे चैनल पे इस तरीके का स्ट्राइक आया है। तो मैं अभी तक अपील करा नहीं हूँ, तो कुछ ही दिनों में मैं सोच रहा कि अपील कर दूँ, और अपील करने के बाद आई होप कि मेरे चैनल से स्ट्राइक जो वो हट जाए, और अगर हट जाता है तो आप लोगों को भी बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने चैनल से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को रिमूव कर सकते हो। मे बी कुछ ही दिनों में हट जाए, क्योंकि इससे पहले मैं जो भी कम्युनिटी गाइडलाइन आया था इससे भी पहले मेरे चैनल पे, तो उस टाइम भी मैं करीब 2 से 3 दिनों में मेरा जो भी कम्युनिटी गाइडलाइन है उसे हटा दिया था, लेकिन इस बार मैं ध्यान नहीं दिया बहुत दिनों से। तो अब सोच रहा कि अपील करके अपने चैनल से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को हटा दूं, तो अगर हट जाता है तो आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा, आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा किस तरह से आप कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को अपने चैनल से रिमूव कर सकते हो। तो भाई बस यही रीजन था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बना रहा, और साथ ही दूसरा रीजन ये है कि मेरे जो भी चैनल का रीच है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, और रीच कम होने का रीजन केवल मेरा ही है, यानी कि मेरी गलती की वजह से चैनल का जो रीच है वो घटा है। तो आने वाले टाइम में मैं इस पे भी काम करूंगा और अच्छे खासे चैनल का जो रीच है उसे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, और आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसपे की मैं बताऊंगा माई मिस्टेक जो भी यूट्यूब करियर में आपको नहीं करनी चाहिए, यूट्यूब यानी कि अगर आप YouTube कर रहे हो तो आपको कौन कौन से मिस्टेक है जो आपको YouTube पे नहीं करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में एक वीडियो और एक बनाऊंगा जो कि 1-2 दिन में ही आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, इसमें शेयर करने का क्या है, अगर करना चाहते हो तो कर दो, और अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड मैं तो आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।